ये देखो, ये ड्राइंग जो बना रखी है ना, ये लेयर से बनाई हुई है, तो लेयर से बनाने का क्या फ़ायदा है वो अपन देखेंगे इसमें। ठीक, सबसे पहले कि लेयर बनाते कहाँ से है और आती कहाँ से है। ठीक, लेयर के लिए टूल में गए, ठीक है, या पैलेट में गए, यहाँ पे लेयर, ठीक है, फॉर्मेट में भी आएगा तुम्हारा लेयर, ठीक है, या फिर ये जो वाला टैब है, ये लेयर टूल बार बताया था मैंने, हाँ, इसमें यहाँ इस पर क्लिक कर दो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर पे, तो इससे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट लिख लो उसका, एल ए एंटर, एल ए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें तुम्हारे एक लेयर बनी हुई रहेगी हमेशा, जीरो लेयर, ठीक है, जीरो लेयर जिस पर अपन काम कर रहे थे, ठीक है, उसका कलर वाइट रहता ही है, ठीक है, लाइन टाइप उसका कंटिन्यू रहता ही है और लाइन वेट उसका डिफॉल्ट जो है वो रहता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी लेयर्स जो है वो कैसे बनी है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। नई लेयर बनाते कहाँ से, यहाँ से, ये, ठीक है, न्यू लेयर, इस पर क्लिक करोगे तो एक नई लेयर बन जाएगी, उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। नाम देने के बाद उसमें तीन चीज़ होती है, प्रॉपर्टी, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक लेयर बनानी तुमको, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी लेयर की हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग हो, हाँ, किसी का कलर सेम हो सकता है तो किसी का लाइन टाइप सेम हो सकता है। जैसे कि मान लो मुझे मैग्नेट कलर की कोई दूसरी लेयर बनानी है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और फिर न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, उसकी जस्ट कॉपी बन जाएगी। हाँ, फिर अपन क्या करना है, नाम चेंज करना है और इन तीन में से जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। तो न्यू लेयर, जिस भी लेयर को आपको कॉपी करके फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है तो उस पर क्लिक करके फिर न्यू लेयर बनाना है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं, अलग अलग हो, सेम भी हो सकती है, ठीक है, बट बस वो है कि यहाँ पे यूज़ करने के हिसाब से अलग अलग हो जाएगी, बाकी देखो सेम भी ऐसी बात नहीं है, जैसे ये रेड कलर ही है, कंटिन्यू ही है, डिफॉल्ट ही है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है, एम्प्लॉई और ठीक है। तो ऐसा तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग अपन को बनाना, तो ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सेलेक्ट करके कलर दे दिया, उसको लाइन टाइप दे दिया, लाइन वेट दे दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर अपन, लेयर में जाके क्यों कर रहे हैं, ठीक, वो इसलिए कर रहे हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर वो लाइन टाइप, लाइन वेट और कलर के अलावा और भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये तीन चीज़ें आ रही है, ठीक है, और फिर तीन चीज़ इधर ये आ रही है, ठीक है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो अपन सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट देने से भी बेटर क्यों है ये, वो इसीलिए। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है आपका ये ऑन और ऑफ, ठीक है। ऑन और ऑफ क्या करेगा, जैसे सपोज अभी ये तुम्हारा फर्नीचर है, हाँ, लेयर से बनाया भी है कि नहीं बनाया देखना पड़ेगा, बनाया चेयर्स, चेयर्स की लेयर है, ठीक है। जैसे मैंने देखो उस ऑब्जेक्ट को अभी आप किसको ही सेलेक्ट नहीं, तो जीरो लेयर आ रहा है, उसको सेलेक्ट किया तो बता दिया उसने चेयर लेयर से बनी हुई। मैं चाहता हूँ कि इस ड्राइंग में से अभी जितनी भी चेयर्स हैं वो गायब हो जाए, दिखे नहीं अभी मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेयर्स वाली लेयर जो है वो ढूंढी, ये रही, ठीक है, और इसको ऑफ कर दिया, देखो उसमें चेयर गायब हो गई है ना, ये है तुम्हारा CPU, ठीक है, CPU गायब करना, CPU भी ऑफ कर दी, ठीक। ये डेस्क है, डेस्क की क्या ले जा रहा, फर्नीचर, फर्नीचर में गए, फर्नीचर ऑफ कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक ही ड्राइंग में क्या होता है कि लेआउट कोई रहती है, फिर उसकी अलग अलग ड्राइंग बनती है। मान लो अभी सैनिटरी की ड्राइंग बनानी इसी की, ये एक ऑफिस की बिल्डिंग हो गई पूरी, ठीक है। अब इसी बिल्डिंग का मेरे को सैनिटरी का ड्राइंग बनाना है, या मेरे को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना है, ठीक है, या मेरे को फ्लोरिंग की ड्राइंग बनानी है, तो काम तो ये बार बार का लेआउट तो मेरे यही काम आएगा ना, तो मैं इनमें क्या करूँगा, बाकी सबको ऑफ कर दूँगा, ठीक है ना। सबको
एक साथ तो नहीं हो सकती। मेन वो वाली लेआउट वाली पास में डोर बच गए टर्मिनल वाली ले। तो ये सिर्फ अपने पास में ऑफिस का ढांचा ढांचा ठीक है, बाकी ये चीज पैनल्स डोर ठीक है कॉपी किया इधर लेके ठीक है। अब इसमें अपन आराम से अपना काम कर सकते हैं, बाद में जब अपन सारी लेयर्स को ऑन भी करेंगे ठीक है तो ये इसमें ही होगी, क्योंकि इधर सेलेक्ट तो हुई नहीं, वो सेलेक्ट हुई नहीं तो कॉपी भी कहाँ से होगी। इसे बारी बारी ऑन ऑफ कर सकते हैं या नहीं, कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं, सब एक साथ हो ऐसा कुछ नहीं होता है। सब ऑफ हो जाएगी तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ, ऑन क्या रहेगा, एक लेयर तो ऑन रहेगी ना। हाँ कोई ना कोई सर, एक लेयर तो रुकू ठीक है। तो इधर कुछ भी नहीं आया अब अपने, इधर अपना जो भी अपन को काम करना है वो अपन कर सकते हैं ठीक है। ऑन और ऑफ का ये समझ में आ गया। हाँ अब देखो क्या है कि मान लो कि मुझे ये दूसरी ड्राइंग में काम नहीं करना, इसी में काम करना है ठीक है। ये चेयर वेयर से मेरे को कोई मतलब नहीं है तो मैं अभी इसको ऑफ कर दूंगा ठीक है, ये चेयर को मैंने ऑफ कर दिया। लेकिन मान लो कि कोई चेयर से मुझे देखना है कि पॉइंट कितना आ रहा है, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो वो चेयर है ही नहीं तो मैं कहाँ से देखूँ ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो गायब तो रहे, मतलब कि जब मैं सेलेक्ट वेलेक्ट करूँ तो बीच बीच में दिक्कत नहीं आए मेरे को सेलेक्ट करने में, वो ड्राइंग में रहे तो सही बट सेलेक्ट ना ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, उसको ऑफ नहीं करेंगे, उसको रखेंगे तो ऑन ही, उसको फ्रिज कर देंगे। फ्रिज का तो दूसरा यूज, फ्रिज का पहले इसका उसका देखो लॉक करेंगे अपन, इसको फ्रिज नहीं करेंगे, ये मैंने लॉक कर दिया चाहिए ठीक है। ड्राइंग में है वो, एल एंटर किया, इसके पॉइंट भी ले पा रहा हूँ मैं ठीक है। लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट हो रही है। हाँ लेकिन डिलीट विलीट देखो करके देखो कुछ नहीं होगा ठीक है। मैंने मान लो इसको सेलेक्ट किया ठीक है, डिलीट किया, ये डिलीट हुआ बट वो डिलीट नहीं हुआ, बिल्कुल सेलेक्ट ही नहीं हुआ ठीक है। आया समझ में? तो ये ऑफ ऑन ऑफ करने से तो ज़्यादा बढ़िया है ठीक है। हाँ ये है कि अपन को काम में नहीं लेना, कोई प्रोजेक्शन वोजेक्शन कुछ भी नहीं लेना तो ऑन ऑफ कर दो ठीक है। लेकिन ऑन ऑफ में क्या हो रहा है देखो, जैसे कि चेयर वाली जो लेयर है मैंने ऑफ कर दी ठीक है, अभी वो सब गायब तो हो गई बट मान लो मेरे को अब कोई चेयर बनानी है तो मैं जैसे यहाँ से जाके चेयर कमांड लेता हूँ तो ये लेने नहीं देता ठीक है, ये ऑफ बोल रहा है क्योंकि वो तो ऑफ हो रखी है, लेने नहीं पा रहे ठीक। तो अपन क्या करेंगे उसको
ऑन ही रखेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। फ्रीज हो गई, सेलेक्ट कर पा रहे हैं अपन, नहीं कर पा रहे हैं। ऑन ऑफ में क्या होगा, ऑफ कर दिया मैंने इसको, गायब हो गई। सेलेक्ट करनी है, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो बोलेगा ऑफ है, ठीक है, लेकिन बोला हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, आ तो गई ऑफ है तो क्या हुआ, आ तो गई। हुआ क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तुम, वो बनेगा और बनने के बाद गायब, क्योंकि वो लेयर क्या है, ऑफ है, बनेगा बनने के बाद जाएगा। जब उसको ऑन करोगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है। फ्रिज में क्या होगा, वो दिखेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो फ्रिज में होगा। तो ऑन ऑफ से बढ़िया है अपने पास फ्रिज, ठीक है। फ्रिज कब, जब काम में लेना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जब काम में लेना नहीं है, लेकिन हो सकता है मे भी उससे कुछ बनाना पड़ जाए, तो ऑन ऑफ, ठीक है। और उसको काम में नहीं लेना लेकिन बनाना है, ठीक है, उसका हेल्प भी लेना है, सब कुछ करना है, तो लॉक कर देंगे, ठीक है। बाकी कलर लाइन टाइप लाइन वेट पता ही तुमको, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने उसमें बताई थी तुम्हारे को हैचिंग में, ठीक है, वैसे इसमें भी अपन ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, ठीक है। मान लो कलर सेम ही दिया है अपन ने, लेकिन किसी को अपन ने हल्का कर दिया थोड़ा सा, ट्रांसपेरेंसी देकर, ठीक है। वो तो फिर सब चेयर में हो जाएगा ना, नहीं जैसे अपन को सिर्फ चेयर में देना है, हाँ तो सारे चेयर में हो, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, एक होता है तुम्हारा प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन क्या देखो, ये मैंने बना लिया मान लो ड्राइंग, मुझे ये प्रिंट चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना के चाहिए, तो मैंने चेयर कमांड से बनाया ना, ठीक है, लेयर वन, मैंने लेयर वन को लिया, ठीक है, ठीक है, इतना इतना प्रिंट मेरे को लेना है, ठीक है। ये तो अभी क्या पूरी ड्राइंग आ रही है, इसमें मान लो कि वो अपन रेक्टेंगल उस हिसाब से बना सकते हैं जिस हिसाब से अपन को प्रिंट लेना हो, ठीक है, इतना इतना प्रिंट अपन को लेना है, जितना रेक्टेंगल में आएगा उतनी ही प्रिंट होगी, हाँ उतना ही प्रिंट लेंगे। यही प्रिंट लेना अपन, तो अपन ने क्या करा, प्रिंट कमांड में गए, प्रिंट कमांड अपन वैसे तो बाद में देखेंगे, बट अभी एक सिर्फ एक एग्जांपल देख लो, जो भी प्रिंट लेना है मेरे को, मैंने यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरे को प्रिंट लेना है, ठीक आ गया, उतना ही प्रिंट आ रहा है, बट ये रेक्टेंगल भी तो आ रहा साथ में, हाँ जो हमने रेक्टेंगल को थोड़ा ना प्रिंट में लेना, मेरे को तो सिर्फ ये रेक्टेंगल सिर्फ उसके लिए चाहिए था कि मैं विंडो बना सकूँ, कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रिंट चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल ड्राइंग में तो दिखता रहे लेकिन प्रिंट में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, रेक्टेंगल अपन ने क्या करा, अलग लेयर से बनाया लेयर वन से, ठीक है, इस लेयर वन का यहाँ से प्रिंटर बंद कर देंगे, ये प्लॉट, ठीक है, ये बंद कर दिया अपन, ड्राइंग में तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब अपन प्रिंट में जाएंगे तो नहीं, ठीक है। अगर समझ में, अगर हम फिर से करें तो वो दिखेगा क्या, फिर से करेंगे तो हम पे वो ड्राइंग में ही नहीं रहेगी ना, क्या मान लो कि हमने फ्रिज से, हाँ फ्रिज में तो देखो क्या होगा, तो ड्राइंग में ही नहीं रहेगा वो, तो फिर हाँ विंडो कैसे बनाओगे, फ्रिज से या ऑफ से करोगे तो उसमें विंडो कैसे बनाओगे, अगर लॉक किया हुआ होता तो भी प्रिंट में तो आ ही जाता, लॉक किया हुआ तो दिख ही रहा है, हाँ फ्रिज और ऑफ में तो दिखेगा ही नहीं, तो मॉडल में भी तो नहीं दिख रहा है, प्रिंट में तो नहीं दिखेगा लेकिन मॉडल में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है।
अब अपन देखते हैं, ये तो अपनी लेयर हो गई ठीक, ये वाला पी से प्रिंट है, ये हाँ पी वाला, ये प्लॉट ठीक है। आगे समझ में लेयर का यूज। अब क्या बच्चा अपने पास में, मैं लेयर किसी ड्राइंग में लेयर्स बनानी है, पहले लेयर्स में ये लिया, दूसरी लेयर्स में कुछ और लेना है, तो कैसे हो सकता है? वो तो ऐसे लोगे ना, यहाँ से वो बता देता, जैसे न्यू लेयर पे क्लिक किया, हाँ ठीक है, ये नई लेयर आ गई, हाँ उसका नाम दे दो, जो भी नाम देना है ठीक है। नाम देने के बाद में उसका लाइन टाइप, कलर, वेट, जो भी कलर क्या करना है तुम्हारे को उसका ठीक है, लाइन टाइप क्या रखना है उसका ठीक है, लाइन वेट क्या रखना है उसका, यहाँ से दे दो। अब उस लेयर से तुमको ड्राइंग बनानी है, पहले उस लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करो, हाँ ठीक है, वो लेयर करंट लेयर हो, जो भी बनाओगे उसी लेयर से बने ठीक है, फिर लेयर चेंज करके कुछ और बनाना है, लेयर चेंज करी कुछ और बनाना ठीक है, यहाँ से लेयर सेलेक्ट करेंगे ठीक है। इसमें तो ये ड्राइंग्स थे वो सब लेयर्स से बने, हाँ ये ऑलरेडी बने, और हमने किसी और ड्राइंग्स में फिर से नई से बनानी है, हाँ। तो उसमें लेयर्स में तो कुछ आया है नहीं ना, हाँ उसमें कुछ उसमें तो हमें ऐड करना पड़ेगा न्यू लेयर करके। बिल्कुल, अब मान लो कि जैसे तुमको सेम यही लेयर हाँ चाहिए ठीक है, सारी की सारी यही लेयर चाहिए, तो कैसे करेंगे ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आता है तुम्हारा लेयर स्टेट मैनेजर ठीक है, इस पर क्लिक करो, न्यू करो ठीक है, इसको नाम दे दो ओके ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, फिर सेव करना ना, पहले इसको सेव करना पड़ेगा डेस्कटॉप पे, फॉर्मेट क्या है इसका देखो, .las लेयर स्टेट मैनेजर अपन ने जो दिया था उसका .las पे सेव होगा ठीक है, वो अलग से सेव हो गया, मतलब तुम्हारी लेयर अलग से सेव हो गई है, अब चाहे तुम इस ड्राइंग को सेव करो चाहे मत करो, हालांकि ये ड्राइंग तुम्हारे इसमें पहले से सेव है, बट इस ड्राइंग को सेव नहीं भी करोगे तो भी वो तुम्हारी लेयर्स तो सेव हो चुकी है ठीक है। मैंने कोई नई ड्राइंग ओपन करी ठीक है, यहाँ पे वो लेयर्स नहीं आ रही ठीक है, बोला वापस उसी में गए लेयर स्टेट मैनेजर में ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इंपोर्ट कराएंगे, हेलो हेलो हाँ बोल, मैं इसलिए कह रहा था वो मैसेज क्या है मैंने देख लेना एक बार ठीक है, मैसेज क्या है, मैसेज दो लिंक मैसेज किए हैं वो देख लेना, एक उसमें वो हिंदी वाला है और एक क्या बोलते हैं इंग्लिश वाला है ठीक है ना, उसमें एक साथ बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देख लो ठीक, अब क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पे था, डेस्कटॉप पे था ठीक है, नहीं दिख रहा अभी, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि फॉर्मेट अभी क्या रहा है DW, अपन ने सेव किस में किया था LAS ठीक है, ये आ गया 123 ओपन कर दिया, री स्टोर करना है आगे, इवन तक की जो ऑफ थी उसमें वो उसमें ऑफ आएगी, जो उसमें फ्रिज थी वो भी इसमें फ्रिज ही आएगी, पूरा एज इट इज़ वैसे ही आएगा ठीक है, अभी तो खैर सारी ऑन ही है, अपने वो प्रिंटर ऑफ किया हुआ था, लेयर वन का प्रिंटर ऑफ किया ठीक है, जो जैसा उसमें किया हुआ सारा वैसे का वैसे ही, जैसे ही हमने वो लेयर स्टेट से वैसे का वैसे ही आएगा ठीक है। फिर हम इस लेयर से कोई और भी ड्राइंग कर सकते हैं, हाँ अब आराम से करो, ये नई ड्राइंग है तुम्हारी, नई फाइल है, हाँ इसमें जो भी बनाना है उसको बनाओ ठीक है, क्लियर क्लियर। ये बता दिया इसमें लेयर बताई दिया ठीक है, टूल बार में ये ऑटो कैड का ही ध्यान रखना, जो जो अपन ने यहाँ से शॉर्टकट लिया था ना, हाँ कहाँ से आते हैं, टूल में जाके टूल बार में जाके ऑटो कैड ठीक है,
इस पे जो जिस पे टिक लगा हुआ है बस अपने आए हुए हैं यहाँ पे बाहर, ये ड्रो ड्रो ऑर्डर मॉडिफाई लेयर सभी जगह से आए हुए हैं, ठीक है ठीक है ना। जो अपन को टूल बार यहाँ चाहिए वो अपन ला सकते हैं। कमांड लाइन बता दिया था, क्लियर स्क्रीन बताई दिया था, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, देखो स्पेलिंग चेक करने का काम आता है, ज़्यादा काम का नहीं है ये, सिर्फ जो स्पेलिंग सही नहीं है ठीक है उसको ही चेक करेगा, लेकिन जो स्पेलिंग सही है बट अपने लिए सही नहीं है उसका इसमें इससे कोई वो नहीं है लेना देना इसको। मान लो इसको बुक करना है, इसको कुक करना है ठीक है, तो इसको तो ये बुक अपन कर सकते हैं लेकिन हाँ। इसको कुक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सी डब्लो एल भी एक स्पेलिंग है हाँ फूल, ठीक है, तो वो इसको तो चेक कर सकता है बट इसको चेक नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए वो सही है। स्पेलिंग में गए ठीक है, जहाँ भी चेक करना है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो या पूरे ड्राइंग में करना, तो एंटायर ठीक है। स्टार्ट करो, स्टार्ट करने पे देखो उसने बता दिया नॉट इन डिक्शनरी बी डब्लो एच, इसको अब करना क्या है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो ठीक है ना। ये बुक कर दिया इसको चेंज ठीक है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट। अब इसने इसका तो कुछ भी नहीं दिखाया ठीक है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग है ऑलरेडी ठीक है, ये होता है स्पेलिंग चेक, इतना यूज है हाँ बस ये यूज है। अब आता है देखो एक क्विक सेलेक्ट, क्विक सेलेक्ट क्या काम आएगा, इसमें देखो क्विक सेलेक्ट जल्दी से सेलेक्ट करने के लिए अपन को कुछ थोड़ा तरीका अपनाना पड़ता है कुछ थोड़ा सा, कि किस तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं फिर सेलेक्ट हो जाए ठीक। अब जैसे मान लो इसमें मेरे को सारी चेयर सेलेक्ट करनी है, तो सारी चेयर सेलेक्ट करनी है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी सिर्फ चेयर में ही हो बाकी किसी और में नहीं हो, तो वो चेयर सेलेक्ट हो जाए ठीक है। अभी क्या है सिर्फ एक चीज़ ऐसी है कि जो इसमें है और बाकी किसी में नहीं है, वो क्या है लेयर का नाम, चेयर की लेयर का नाम चेयर है बाकी और किसी भी लेयर ऑब्जेक्ट का नाम चेयर नहीं है ठीक है ना। तो अपन उसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, कैसे करना है टूल्स में गए क्विक सेलेक्ट लिया ठीक है, पूरे ड्राइंग में चेक करना है या किसी पर्टिकुलर पोर्शन में देखना है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है मल्टीपल ठीक है, मल्टीपल क्योंकि वो चेयर जो है वो पता नहीं किस किस से मिलके बनी हुई है, तो अपन ने मल्टीपल कर दिया, अपन को सारी चेयर ही सेलेक्ट करनी है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अभी अगर देखो अगर अपन यहाँ से ले लेते हैं लाइन, तो लाइन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि कलर लाइन टाइप लाइन वेट तो आएंगी, उसके साथ साथ ये भी आ जाएगा कि उसके स्टार्ट पॉइंट कहाँ है, उसका एंड पॉइंट कहाँ है, उसकी एंगल कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। बट अभी तो अपन को पूरा एक ऑब्जेक्ट चेयर जो है वही सेलेक्ट करना है, इसलिए अपन ने मल्टीपल ही रखा, मतलब कि सारी चीज़ सेलेक्ट होगी उस, तो इसलिए अब सारी चीज़ों में वो तो आ नहीं सकता एरिया एंगल वगैरह में, तो क्योंकि कोई सर्कल होगा कोई रेक्टेंगल होगा कोई वाला, तो सिर्फ वही आ रही है कौन सी कलर लाइन टाइप लाइन वेट ठीक है, यही चीज़ें जो लेयर में होती है ठीक है। तो अब अपन किस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, भाई चेयर का कलर क्या है, मैग्नेट कलर का है ठीक है, बट मैग्नेट कलर से तो और भी दूसरी चीज़ें बनी हुई हैं ठीक है, तो कलर को ले नहीं सकते, तो अपन किसको लेंगे लेयर को लेंगे, क्योंकि लेयर जो है वो एक ही है, एक ही है चेयर ठीक है। तो लेयर में गए ऑपरेटर इक्वल्स टू ठीक है वैल्यू, वैल्यू में अपन ने चेयर दे दी ठीक है। अब इनको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है सेलेक्ट करना है ना, इंक्लूड करेंगे वही सेलेक्ट सब चेयर सारी चेयर सेलेक्ट हुई ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर ली ठीक। देखो इसमें पॉली लाइन तो खैर खूब सारी बनी हुई है, सारी पॉली लाइन सेलेक्ट करनी है तो क्विक सेलेक्ट में जाए, मल्टीपल की जगह सिर्फ
पॉलीलाइन किया, ठीक। अब कलर सबका अलग अलग हो सकता है, हाँ, बट जिस लेयर का जो कलर है उस लेयर में ही होगा ना उसका कलर, हाँ। कलर तो लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो लेयर है डिफरेंट लेयर्स में पॉलीलाइंस हो सकती है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में हो सकती है। बट इस बाई लेयर का मतलब समझ रहे हो, बाई लेयर का मतलब क्या है, अगर लेयर में लाल कलर दे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट में भी लाल कलर ही हो रखा है, हाँ। अपन क्या कर सकते, जरूरी नहीं है कि लेयर में लाल कलर है तो अपन ऑब्जेक्ट को दूसरा कलर नहीं दे सकते, दे सकते हैं कहाँ से, यहाँ से सेलेक्ट करके, बट जो कलर उसमें है वही कलर लेयर में जो कलर वही कलर उसको दे रखा है, मतलब बाई लेयर ही है वो, ठीक है, तो उससे वो सारी सेलेक्ट हो सकती है, ठीक। इक्वल टू मैंने कलर क्या करा, बाई लेयर इंक्लूड, सारी पॉलीलाइन सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अगर इसमें दूसरे कलर की भी होगी तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब दूसरी सारी पॉलीलाइन ये दूसरी लेयर्स की भी होगी तो भी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो ये चेयर है, ठीक है, एल एंटर करके मैंने चेयर से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसका कलर क्या दिखा रहा है, बाई लेयर, वो थोड़ा दिखा रहा है कि नीले कलर का ही, क्या दिखा रहा है, बाई लेयर, मतलब जो लेयर का कलर है वही कलर इसका है, लेकिन मैंने इसका कलर सेलेक्ट करके चेंज भी तो कर सकता हूँ, अपग्रेड बता रहा, ठीक है ना, ऐसा। तो मान लो कि मुझे सारी चेयर सेलेक्ट करनी है, बट जिन जिन का मैंने कलर चेंज कर दिया वो चेयर मेरे को सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, जैसे कि ये है, ये है, ये चाहिए तो ब्लॉक बना रखे हैं, ये पॉलीलाइन ब्लॉक नहीं है, ये ई बी फर्नीचर है, ठीक है, ई बी फर्नीचर में मैंने मान लो कि इसको सेलेक्ट करके येलो कर दिया, ठीक है। अब देखो टूल्स सेलेक्ट, यहाँ पे पॉलीलाइन किया मैंने, कलर क्या कर दिया, इक्वल टू बाई लेयर कर दिया, ठीक है। अभी वो कलर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो लेयर करंट है उसका दिखा रहा है, ठीक है, बाकी सेलेक्ट सभी होंगी, ओके, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कलर अपने चेंज कर दिया, ठीक है, बाकी हर एक पॉलीलाइन सेलेक्ट हुई है, चाहे अलग अलग लेयर से क्यों नहीं बनी हुई हो, ठीक है, लेकिन ये सेलेक्ट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसका कलर बाई लेयर नहीं है, जो लेयर के अलावा जो कलर है उससे कर दिया अपने इसका कलर, कलर की प्रॉपर्टीज के साथ हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, अब हम लेयर के अकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, हम कलर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे इसमें सर्किल बना दिए 10 रेडियस के, ठीक है, और कुछ सर्किल मैंने अलग भी, अब मुझे सिर्फ 10 रेडियस के सर्किल सेलेक्ट करने, वो हो सकते हैं अलग अलग कलर से भी बने हुए हो, अलग अलग लेयर से भी बने हुए, कुछ मतलब नहीं है मेरे को, सिर्फ सर्किल सेलेक्ट करने से, ठीक है। अभी मान लो सारे सर्किल ही सेलेक्ट करने पहले तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, टूल बार में गए, क्विक सेलेक्ट में गए, मल्टीपल की जगह सिर्फ सर्किल लिया, ठीक है, ओके, और कलर बाय लेयर कर दिया, ओके, ठीक है, सारे सर्किल सेलेक्ट हो गए, हाँ, छोटे बड़े, मुझे सिर्फ छोटे वाले करने, 10 रेडियस वाले, क्विक सेलेक्ट में गए, मल्टीपल की जगह सर्किल किया, ठीक है, सर्कल किया, अब गए अपन इधर रेडियस में, ठीक है, इक्वल टू हो गए सेलेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है कि अपन किस तरह से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कई बार एक्सक्लूड करके भी अपन कर सकते हैं, हर चीज़ इंक्लूड करके नहीं होगी, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे छोटे सर्किल भी और बड़े सर्किल भी, सिर्फ बड़े सर्किल सेलेक्ट करने, अभी बड़े सर्किल की मेरे को रेडियस पता है क्या, नहीं पता, नहीं पिक्सल, दो तरीके हैं, एक तो मैं सर्किल में जाऊं, ठीक है, यहाँ से रेडियस का ऑप्शन लूं,
ठीक है, और यहाँ से इक्वल की जगह ग्रेटर देन कर दो, ये 10 से बड़े, 10 से बड़े, ठीक है, तब भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने इक्वल टू का ऑप्शन रखा, जब 10 रखा बट इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन इसमें क्या होगा, फुल ड्राइंग सेलेक्ट होगी, हाँ, जो सर्कल 10 से हो गए उससे सीधा अलावा जो होगा सब पूरी ड्राइंग सर्कल भी, हाँ वो सर्कल तो होंगे ही, मैंने क्या करा एक्सक्लूड, हाँ एक्सक्लूड मतलब उनको छोड़ के सब कुछ, इन 10 रेडियस के सर्कल को छोड़ के सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, टूल्स फिर सेलेक्ट, जैसा करते हैं ना पहले सिर्फ सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं सारे, यहाँ मैंने सर्कल कर दिया, बाय लेयर किया, इंक्लूड का ऑप्शन किया, हो गए सारे सेलेक्ट। अब इनको डी सेलेक्ट नहीं करके वापस से क्विक सेलेक्ट वाला ऑप्शन लिया, ठीक है। तो अब एंटायर ड्राइंग की जगह क्या आ गया, करंट सिलेक्शन, मतलब जो भी होगा अब इस सेलेक्शन के अंदर ही होगा, इस सेलेक्शन में अगर वो एक्सक्लूड हो जाता है तो बचा सिर्फ वो बड़े बड़े सर्किल, तो इसलिए अपन ने करंट सेलेक्शन रख के सर्कल रख के और ये रेडियस का ऑप्शन लेके यहाँ पे 10 लिखा और एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, ठीक है, सिर्फ बड़े बड़े रह गए छोटे, ठीक, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला है, बाकी हम जिस तरह से सिलेक्ट करना चाह कर सकते, हाँ कर सकते हैं, बाकी जैसे सर्कल वगैरह तो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिंबल, तो ये सर्कल बिल्कुल ऐसे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर बता दिया तुम्हारे, ठीक है, आइसोलेट 3D में काम आएगा, बाकी यहाँ भी देख लो हल्का फुल्का, जैसे कि मान लो मुझे अभी थोड़ा इधर इस पोर्शन पे काम करना है, ठीक है, बाकी ये सब मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया इस पोर्शन को, ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा आइसोलेट का ऑप्शन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहे बाकी सब गायब हो जाए, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया और आइसोलेट हो गया, ठीक है, इसको छोड़ के सब गायब। जब आपका काम पूरा हो जाए, जैसे मान लो इसके अंदर जो भी कुछ बनाना है तुमको, ठीक है, बनाया, बनाने के बाद वापस से राइट क्लिक किया, आइसोलेट और एंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, सब आ जाए, ठीक है। मान लो कि सिर्फ यही प्रॉब्लम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, आइसोलेट, हाइड, हाइड ऑप्शन, जिसको सेलेक्ट किया वो हाइड, ठीक है, जिसको सेलेक्ट किया उसको छोड़ के बाकी सब हाइड करना है तो आइसोलेट, ठीक है, जिसको सेलेक्ट किया उसको ही हाइड करना है तो हाइड ऑप्शन, ठीक है, और बनाने के बाद हाइड ऑब्जेक्ट आइसोलेट, ऐसे नहीं कंट्रोल जेड करने लग जाओ, कंट्रोल जेड करोगे तो जो बनाया वो गायब हो जाएगा, ये कंट्रोल जेड नहीं करना है, वैसे ही 3D में ज़्यादा काम होता है, यहाँ भी काम मिले सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होगी वहाँ काम ही आएगा, देखो ड्राइंग वही चीज़ थी, अब अपन सिर्फ वो सीख रहे हैं कि ऐसी ड्राइंग में अपन कैसे काम कर सकते हैं, कैसे और जल्दी अपन तरीका कर सकते हैं, तो वही चीज़ है, जितनी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होगी उसी में वो चीज़ें काम में आएगी, तुम्हारे छोटी छोटी ड्राइंग बना रहे हो तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की, तो बड़ी ड्राइंग में ही काम आएंगी ये सब चीज़ें। इंक्वायरी बता दिया तो तुम्हारे को अपडेट फील्ड अभी आगे आएगा, ब्लॉक एडिटर बनता है और आगे क्या काम है तुम्हारा, ग्रुप ग्रुप कभी कभी काम आ जाता है, ग्रुप क्या है, एक साथ कभी किसी को सेलेक्ट करके कॉपी करना है, मूव करना है, ठीक है, ग्रुप का ऑप्शन ले लीजिए, इसको पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, सेलेक्ट
माथा दुखे अभी क्या हुआ, देखो ग्रुप बंद हो गया बट दिखा नहीं रहा ऐसे। ये तो होता क्या है कि आप क्लिक करके सेलेक्ट करोगे तो पूरा एक ग्रुप ऑब्जेक्ट के सेलेक्ट करो, ठीक है, सिंगल एक, ठीक है, रेक्टेंगल। देखो जैसे यहाँ लिख भी रहा है शो सिंगल ग्रुप ऑन ग्रुप, मैंने टिक लगा रखा उस पर, ठीक है, शो बाउंड्री बॉक्स ऑन ग्रुप, ये बाउंड्री बॉक्स भी दिखाएगा बट दिखा नहीं रहा, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं दिखा रहा। कोई बात नहीं, थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा तुम्हारे को। ठीक, ये ऑब्जेक्ट क्या मान लो, इनको ग्रुप बनाना है, शॉर्टकट जी एंटर, ठीक है। अभी इस केस में तुमको नाम देना पड़ेगा क्योंकि वो सेलेक्ट करने पर सेलेक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए, ठीक है, अदरवाइज नाम की जरूरत नहीं पड़ती। नाम का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नेम, ठीक है, नाम दीजिए, सपोज मैंने इसको वन, ठीक है, वन नेम ऑलरेडी है, थ्री, ठीक है, नाम मैंने थ्री दे दिया, सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे सेलेक्ट, अब मान लो मुझे कॉपी करना है, सी टू एंटर, अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में अपन क्या करेंगे, एक एक क्लिक नहीं करेंगे, अपन ग्रुप कमांड बुलाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉपी कमांड के अंदर ग्रुप कमांड बुलाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में अपन क्या कर देंगे, जी लिख के एंटर कर देंगे, ठीक है, जी एंटर से क्या होगा, ग्रुप आएगी। देखो क्या पूछ रहा है, एंटर ग्रुप, नहीं ग्रुप का नाम अपन ने क्या दिया था, जी, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, एंटर कर दिया, तो जहाँ से भी उठाना है वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर, ठीक है, एम एंटर, जी एंटर, ठीक है, वो सेलेक्ट हो गया। बाकी जब वापस जी एंटर करोगे तो देखो एक दिखाएगा कि ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है ऑलरेडी, जी एंटर करने के बाद ही दिखाएगा ये ग्रुप है। हाँ नहीं, वो ऐसे बाउंड्री बॉक्स ही बनता है, इसमें नहीं बन रहा। अनग्रुप करना है वापस, इसमें तो पता चलेगा नहीं, अनग्रुप करना है, ठीक है, अनग्रुप में सेलेक्ट करो, बस क्लिक कर दो, अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वापस से कमांड लिया, अनग्रुप, ग्रुप है अभी, हाँ क्लिक कर दिया, अब अनग्रुप हो जाएगा, अनग्रुप करना है, इसको क्लिक किया, छोड़ दो, ठीक। अब एम
एंटर, जी एंटर, थ्री एंटर, ठीक है, इनवैलिड ग्रुप गायब हो गया, अनग्रुप कर दिया। एम एंटर, जी एंटर, वन एंटर, तो ही वो भी अपन ने डिलीट कर ही रखा है, नाम लेकिन भी बन रह रहा उसमें, इसलिए अपन नाम नहीं दे पा रहे। ये ग्रुप अन ग्रुप हो गया, ठीक है। फॉर्मेट में देखो कुछ है नहीं अपने पास में, लेयर अपन ने बता ही दिया, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल बता दिया, डायमेंशन स्टाइल बता दिया, टेबल स्टाइल बता दिया, ठीक है, मल्टीलीटर अभी अलग से है, वो उसमें आता ना मल्टीलीटर, ठीक है, उसकी स्टाइल अलग से होती है, ठीक है, वो डायमेंशन स्टाइल से चेंज नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ से चेंज होगा मल्टीलीटर, ठीक है। बाकी इसके अंदर जाओगे तो वही चीज़ है जो डायमेंशन स्टाइल में था ही, लीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको चेंज करनी, ठीक है। पॉइंट स्टाइल हो गया, मल्टी लाइन स्टाइल में हो गया, यूनिट बताई दिया तुम्हारे को, ठीक है, ये बाकी कोई काम का नहीं है। इंसर्ट में दो तीन चीज़ें अभी देख लो, लॉक बताइए, ठीक है, लॉक के अलावा देखो पीडीएफ, पीडीएफ कैसे इंसर्ट करवानी है सर, कोई भी पीडीएफ सेलेक्ट करी, ओपन करी, ठीक है, स्केल स्केल जो भी करना ओपन स्क्रीन पर कर लेंगे, अभी नॉर्मल जो भी आ रहा लिखा हुआ उसमें ओके कर, ठीक है, स्केल हो गई, सॉरी प्रिंट आ गई, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके जो भी करना है तुम्हारे को, स्केल करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है, वो कर सकते, रोटेट रोटेट जो भी करना है, ठीक है ना। अब इससे क्या अपन पीडीएफ के हेल्प से भी आपको कुछ बनाना तो बना सकते, ये तो क्या जैसे इमेज से बनी हुई पीडीएफ, ठीक, लेकिन जैसे अगर मान लो कि ऑटोकैड से बनी हुई कोई पीडीएफ, इसमें प्रिंट दिया अपन ने पीडीएफ के अंदर, ठीक है, मतलब एक तरह से प्रिंट नहीं दे रहे अपन, उसको पीडीएफ में सेव कर रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे पीडीएफ सेव हो जाएगी, ठीक है, हो गई। अब ये पीडीएफ मान लो मेरे को किसी दूसरे ड्राइंग में इंसर्ट करवानी है, इंसर्ट में गए, पीडीएफ में गए, ठीक है, डेस्कटॉप से, मैं एक मिनट इसको चेक कर लूँ, डी आई एंटर करके कितना डिस्टेंस आ रहा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारी ड्राइंग, ड्राइंग में क्या डायमेंशन थी, बारह थी फिक्स, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये भी फिक्स 12 हो जाए, ठीक है, तो अपन ने स्केल कमांड पढ़ा था ना, हाँ, बस वैसे ही करना है, एल एंटर करके एक 12 के लिए एंटर करो, ठीक है। स्केल किसको करना है, पीडीएफ को, पीडीएफ, ठीक है, रेफरेंस का ऑप्शन लिया, रेफरेंस लाइन कौन सी हो गई, ये वाली, ये, ठीक है, न्यू लाइन के लिए पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से दे दिए, ये और, ठीक है, ये आपकी
चेंज आएगा, क्योंकि वो प्रिंट दिया ना अपन ने छुट्टी का छोटा मोटा, थोड़ा बहुत पैसा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो क्योंकि ऑटोकैड से बने हुए हैं ना, तो उसमें देखो मिड पॉइंट एंड पॉइंट सब आ रहा है, ठीक है। इस पर चलाते गए, पीडीएफ को सेलेक्ट किया, ठीक है। वो सिर्फ ऑटोकैड से बनी हुई पीडीएफ में है, पीडीएफ में हो नहीं जाएगी फाइल। हाँ, ऑटोकैड की पीडीएफ में कन्वर्ट अगर की भी है तो वो एंड पॉइंट मिड पॉइंट दिखाएगा, बाकी ओपन तो कोई सी भी पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है। ओपन तो कोई सी भी पीडीएफ हो जाएगी, जो हमारे अभी इसमें थी सारी पीडीएफ जो आ रही है। पीडीएफ तो कोई से भी ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इंसर्ट होने को पीडीएफ कोई से भी हो जाएगी, ऐसे ही सेम इमेज है, ठीक है। जैसे पीडीएफ इंसर्ट हो रही है सेम वैसे इमेज भी इंसर्ट करवा सकते हो। जो मैं बताया था ना तुम्हारे को एक करके, मैंने एक करके बताया वो वही है, इमेज आ जाएगी उसमें, स्केल सब कर सकते हैं। हाँ वो भी करना है, जो करना है फील्ड, देखो फील्ड में काम की चीज़ तो खैर है नहीं, क्या क्या होता है इसमें कोई काम की, थोड़ा काम में जो ले सकते हो, जैसे भी मान लो फील्ड में गए अपन, शनिवार इसमें काम का चीज़ है तुम्हारा, ये सर्कल है इनके एरिया वगैरह मेरे को यहाँ पे डालने ठीक है। कई बार क्या होता है अपन को ड्राइंग के अंदर उनका एरिया भी दिखाना होता है, ठीक है। टूल्स सॉरी टूल्स क्या इंसर्ट फील्ड या कैटेगरी में कर दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो मैंने सर्किल का क्या लेना है अपन को, एरिया लेना सर, सिलेक्ट एरिया सेलेक्ट हो ही रखा है, ओके कर दो। ये इसका एरिया सपोज इसके अंदर ही रखता है, ठीक है आ गया। अब सर्कल को सेलेक्ट करा मैंने और सर्कल को छोटा कर दिया, बट एरिया तो उतना ही दिखा रहा है। हाँ यानी इसको मुझे अपडेट करना है, टूल्स में गए अपडेट इसको सेलेक्ट किया और एंटर हो गया अपडेट। इंसर्ट पॉलीलाइन का एरिया चाहिए, ठीक है। स्ट्रेच कमांड ली, इसमें आंसर सेलेक्ट किया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। एरिया चेंज नहीं हुआ, अपडेट रूल्स में जाके अपडेट फील्ड सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही सर्कल वगैरह जो भी कर सकते हैं, इसमें दो तीन चीज़ें एरिया ही बढ़िया एरिया वेरिया काम का है, फील्ड में ओयली ऑब्जेक्ट, ओयली ऑब्जेक्ट क्या है जैसे कि एक्सेल वर्ड पेंट, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट एज इट इज एक कोई फॉर्मेट का तुम्हारे को इमेज जैसे काट के अपन चिपकाते हैं ना, हाँ वैसे वो चिपका सकते हो, जैसे कि मान लो ओयली ऑब्जेक्ट में गए, वर्कशीट में गए, बट इसमें वो होनी चाहिए वर्ड एक्सेल जो भी है पेंट जो जो होगा वही ऑप्शन उधर आएंगे। अभी जैसे इसमें एक्सेल आ रहा था, एक्सेल क्यों आ रहा था क्योंकि सिस्टम में एक्सेल है, एक्सेल नहीं है तो उसमें लिखा हुआ नहीं आएगा। इसमें क्या है जैसे जितना काम तुम करोगे ना,
काम किया, काम करने के बाद कुछ सेव वेव नहीं करना है, एक्सेल को बंद कर दो इतना काम कर रहा है, ठीक है ना। फोटो आ गया, इंसर्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है चेंज करना है इस पर क्लिक करो, ठीक है राइट क्लिक करो, ओएली ओपन, ठीक है राइट क्लिक किया फिर से ओपन, डायरेक्ट वहीं पे चेंज नहीं कर सकते उसको, वहाँ चेंज नहीं कर सकते, फिर से आ गया। ठीक है वहाँ करना है क्या, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं ना तुम, वहाँ थोड़ा ना आ रही है, फिर से बंद कर दिया, ठीक है चेंज हो गया, इमेज के फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है ये वही हाइपरलिंक, इंसर्ट हाइपरलिंक, ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ लिंक अटैच करना, ठीक है लिंक दो तरह से हो सकते हैं, या तो किसी ऑब्जेक्ट का लिंक अटैच कर दिया, ठीक है कोई फाइल का लिंक अटैच कर दिया, डॉक्यूमेंट में जाके फलाने जगह जाके वहाँ पर है, या कोई वेब पेज का लिंक ऐड कर दिया जैसे www.google.com जो भी है वो ऐड कर दिया, ठीक है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में गए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है एंटर किया, अगर फाइल का और देना है तो यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, अब देखो जैसे मैं इसके पास जाऊँगा एक लिंक दिखाएगा, दिखा रहा हूँ कर्सर पे दिखा रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो उस ऑब्जेक्ट, ठीक है अपने आप खुल जाएगा, क्लियर। या फिर जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मान लो जैसे आपको कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं अपन, कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी बॉडी पार्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी पार्ट के बारे में बता रहे हैं, मैकेनिकल कोई पार्ट है, ठीक है अब वो लोगों को आपको समझाना भी है कि वो पार्ट होता क्या है, ठीक है तो आपने उस ड्राइंग में तो दिखा दिया, ड्राइंग में उसको समझ में आया नहीं, ठीक है तो आपने क्या करा उसकी कोई इमेज ये रख रख के, तो इमेज को आपने खोल के उसको दिखा दिया, उसको बोला कि हाँ भाई देखो ये क्लिक किया और ये आ गया सब, ये होता था वो पार्ट, ऐसा करके आपने वो इमेज खोल के दिखा दिया, सब इमेज में ऐसे इमेज से उसको नहीं दिखाना है, मान लो कि कोई नेट पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन सारा सब कुछ लिखा हुआ है किसी जगह, ठीक है वो आपने सर्च किया कहाँ पर आ रहा है उसका लिंक कॉपी करके और वो इसके अंदर ऐसा हाइपर लिंक में डाल दिया, इंसर्ट हो गया हाइपर लिंक में, इसको सेलेक्ट किया एंटर किया और यहाँ पे वो लिंक टाइप कर दिया, ठीक है जैसे मान लो www.gmail.com, ठीक है इस पर भी एक लिंक आ गया, राइट क्लिक किया एंटर, ठीक है तुम्हारा वो नहीं है कोई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं है कोई, जो तुम्हारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो ओपन होगा और उसके अंदर ओपन होगा, ठीक है अभी तुम्हारे पास है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, इसको कर देता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से, ये
उसके काम आएगा। आगे समझ में हमारा हाइपर लिंक अब बच रहा है एक्सटर्नल रेफरेंस गूगल बड़ा, ठीक है ये कर लेना।